मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है ए टू ऑल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल डिस्क के बारे में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पढ़ के तो मालूम चल ही गया होगा कि हम आईपीएल डिस्क के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों आईपी क्या है, आईपी कैसे वर्क करती है और एक आईपी क्या है, एक नंबर है तो वो नंबर हमारे कौन सा काम के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट से। तो दोस्तों इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है डेटा इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की काम आता है। जैसे कि एक डेटा है, मान लीजिए आपके पास एक डेटा है कि आप ये एक डेटा जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इंटरनेट हमें कैसे ऐसे सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आप एक डेटा देखना चाहते हो, उसके लिए आपको एक कुछ भी आप इंजन में सर्च इंजन पे सर्च कीजिए, तो उसके लिए आप जो सर्च कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आती है इंटरनेट के थ्रू। आप सर्च करती है वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो सर्वर के पास, वो तो वो सर्वर नेट के थ्रू आपको वो सिस्टम की ऑल अबाउट डिटेल्स निकाल के दे देता है। तो आपका जो सिस्टम है तो यूज़ होता है, तो आप जो देखना चाहते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये वर्क ये सिस्टम ऐसा है कि आप सिंपल से मैं समझा देता हूँ, बेसिक नॉलेज से मेरा, अब बेसिक नॉलेज में क्या बोलूँ। हाँ तो आप दो फोन, आपका जो दो डिवाइस है उस पर आप जेंडर तो काम जेंडर में तो आप कुछ भी शेयर करते ही होंगे, तो दो फोन में जेंडर ऑन कर लीजिए और एक से एक में कुछ डिटेल्स भेज दीजिए, तो और आप इसमें कुछ डिटेल्स ले लीजिए। तो इसके थ्रू क्या होता है, आप दोनों फोन में कुछ भी एक साथ देख सकते हैं या फिर चला सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम है दोस्तों इंटरनेट। क्या होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, उसके लिए जो डेटा आप इन्फॉर्मेशन आपको देख जानना चाहिए तो वो सर्वर के थ्रू, सर्वर इंटरनेट के थ्रू आपकी फ़ोन डिवाइस में भेज देता है। तो ऐसे ही दोस्तों वर्क करती है इंटरनेट। अब इंटरनेट मैंने जो बोला है कि वो लगभग आपका ही सिस्टम है, और वो जो आप जानना चाहते हैं वो आपका ही सिस्टम में कैसे पहुँचेगा, इसके लिए हमारा सिस्टम आईपी के थ्रू वर्क करती है। जैसे कि मान लीजिए आप, मेरा नंबर है एक और मेरा दोस्त का नंबर है दो, तो मैं दो के पास एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो वो दो नंबर कैसे समझेगा कि मैं ये नहीं भेजा है। उसके लिए तो पर्टिकुलर एक नंबर या फिर मेरी पहचान की ज़रूरत थी, तो मेरा पहचान है एक और मेरा दोस्त का पहचान है दो। तो ऐसे ही एक नंबर के थ्रू आपकी पहचान होती है। तो दोस्तों आईपी क्या है, आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, इससे अगर मैं टोटल एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटी सी सैंपल देना चाहूँगा कि आप कोई भी ई कॉमर्स साइट से कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो उसके वो आपको कैसे से वो आपको जो सर्विस है, आपका सामान है, आप तो कैसे कैसे पहुँचाएंगे। तो उसके लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपका सिटी, आपका लैंडमार्क, आप कौन सी बिल्डिंग पे रहते हैं या फिर आप कोई एरिया पे अगर रहती है तो उसके पास क्या है, उसके थ्रू आपको एक पहचान होती है और आपको वो सामान डिलीवर किया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों काम करते हैं ई कॉमर्स से। तो सेम सिस्टम है आईपी के अंदर कि आप अपना एक एक्सेस सिस्टम है, आपका खुद का एक नंबर है, तो वो आप कैसे बोलते हैं कि आपका एक खुद का नंबर है वो सर्वर पे लोड होता है। आप जो भी चीज जो भी कुछ करना चाहते हैं तो वो आईपी के थ्रू आपको भेज दिया जाता है जो भी, यानी कि सिस्टमिटी। जैसे कि आप वेब सिस्टम देखना चाहते हैं, वेब के अंदर आप कोई भी कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपकी सर्वर तक पहुंचा जाता है, तो सर्वर आपकी नंबर पे एक सिस्टम भेज देता है। तो दोस्तों ये जो आईपी सिस्टम है ये दो सिस्टम पे डिवाइडेड है, पहला है IPv4, दूसरा IPv6। अब IPv4 ये क्या है और ये कैसे वर्क करती है दोस्तों, इस बारे में अब हम जानेंगे। तो IPv4 क्या है, वो एक 4 कॉलन का नंबर है। जैसे कि मान लीजिए मैं सैंपल दे देता हूँ कि 192.168.125.128, ऐसा ही एक सिस्टम है। मैंने बताया है 3 डिजिट पर एक कोलन है, उसके बाद एक पॉइंट नंबर दिया है। तो ऐसे ही करके आईपी होता है जो 4 में डिवाइडेड होता है। तो दोस्तों आईपी जो 4 डिजिट है वो मैक्सिमम जा सकता है 4.2 बिलियन तक। अब आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ बोलना चाहता हूँ जिसकी सुनने के बाद आप लोगों को समझ कुछ तो
प्रॉब्लम होगी, आप लोग जब ये सवाल पूछेंगे कि जो नंबर है वो कैसे होता है। तो दोस्तों मेरा आंसर ये है कि जो फोर सवाल ये है कि जो 4.23 बिलियन है वो आज से कुछ साल पहले ख़त्म हो चुका है। वो नंबर जो हम यूज़ करते थे वो नंबर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक सिस्टम पे एक ही नंबर है, वो एक नंबर दूसरे नंबर पे नहीं होता। मान लीजिए कि हम सिम पोर्ट करते हैं, सिम पोर्ट करने से क्या होता है, जो आपका नेटवर्क है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आईपी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो नंबर है वो पार्टिकुलर उस डिवाइस के लिए वही नंबर है। आप नया डिवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग सा नंबर है, इसीलिए आईपी ऐसे वर्क करती है, और इसीलिए 4.23 बिलियन ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हम आज भी एक न्यूज़ है, आज भी हम IPv4 का यूज़ करते हैं। अब कैसे वर्क कर दिया, तो दोस्तों कुछ जो आईपी है तो वो एक अलग सा सर्वर सिस्टम में स्टोर है। तो हम जो वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो काम करती है IPv4 के अंडर में, यानी IPv4 एक नंबर वर्क करता है। तो IPv4 एक नंबर के अंदर आपको बहुत सारे नंबर सिस्टम प्रोवाइड करा दिया। तो दोस्तों हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है तो वो पार्टिकुलर है। मैंने बोल ही दिया है कि वो सिस्टम इंटरनेट पार्टिकुलर प्रोटोकॉल सिस्टम, तो प्रोटोकॉल सिस्टम में एक डिवाइस के लिए एक ही नंबर प्रोवाइड किया जाता है, दूसरी डिवाइस के लिए दूसरी नंबर। तो जो प्रोटोकॉल सिस्टम है तो एक नंबर के लिए एक ही होता है। तो हम इस अब एक सर्वर के एक आईपी के अंदर बहुत सारी आईपी एड्रेस को हम छुपा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेट के थ्रू, NAT। तो नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो दोस्तों ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। तो दोस्तों नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है और ये वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों हम एक सिस्टम को ओपन करने के लिए हम कुछ सिस्टम की सहायता लेते हैं, जैसे कि हम नेट चलाने के लिए लेते हैं राउटर या फिर इंटरनेट की। इंटरनेट कैसे कि आपकी सिम की ब्राउज़र, जैसे कि आप कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जो चीज़ देखते हैं ज़्यादातर देखते हैं राउटर के थ्रू। तो दोस्तों राउटर जो एक सिस्टम है तो वो सिस्टम क्या वर्क करती है, उसका एक अलग सा आईपी होता है। तो वो आईपी के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसका सिस्टम अलग होता है। हम जैसे कि मान लीजिए हमारे सर्वर के आईपी है 192.168.120.125 ऐसा ही कुछ, तो वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक पीसी है तो पीसी का आईपी क्या है, 192.168.2.2। तो वो जो मैं एक सिस्टम ओपन करना चाहता हूँ उसके लिए मैं ओ एप पे घुसा हूँ, तो वो ओ एप क्या करते हैं, वो राउटर के आईपी के थ्रू आपको लिंक सेंड कर देती है, आपको सर्वर तक कनेक्ट कर देता है। तो कनेक्ट होने के बाद वो सर्वर वो राउटर को ही कॉन्टैक्ट करती है। तो राउटर क्या करते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम, हमारा जो डिवाइस है जिससे हम डेटा देखना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारे इंफॉर्मेशन भेज देता है, उसके बाद हम ओपन करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों नेटवर्क करती है, NAT वर्क करती है। तो एक आईपी के अंदर बहुत सारी आईपी को हम छुपा देते हैं, जिसके थ्रू हम आज भी IPv4 यूज़ कर रहे हैं। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है। तो IPv6 क्या है दोस्तों, IPv6 एक ऐसा IPv4 का सिस्टम है। अब IPv6 हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो अभी मार्केट में आया नहीं। तो IPv6 का स्टार्टिंग कैसे हुआ, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो IPv4 चल रहा था। तो दोस्तों तब IPv4 जो इंटरनेट सिस्टम जो लोग चला रहे थे, तो वो कभी ये नहीं सोचे कि नेक्स्ट जनरेशन पे हम एक एक इंसान के पास इतना सारा डिवाइस होगा, तो उसके थ्रू आपको अलग अलग आईपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो ख़त्म होने के बाद हम IPv6 का इस्तेमाल करेंगे। तो IPv6 क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये जो 4.3 बिलियन है उससे कई गुण ज़्यादा नंबर उसमें स्टोर होगा, तो इसके थ्रू आपको और भी बेहतर परफॉर्मेंस, सर्वर डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर सकती है। अब जैसे NAT के थ्रू आपको राउटर के थ्रू आपको कनेक्ट कर दिया सर्वर, तो वो क्या करेगा, आपको सर्वर IPv6 में वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा, तो आपको नेट का स्पीड भी अच्छा मिलेगा,
आप कोई काम कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंट होगा। तो दोस्तों IPv6 अभी कुछ कुछ ही जगह पे लॉन्च हुई है और अब कुछ ही जगह भी यूज़ होते हैं, लगभग 100 में से 10% से भी कम लोग यूज़ करते हैं IPv6 को। तो दोस्तों IPv6 यही है और ऐसे ही वर्क करती है। तो आज IPv6 का हम यूज़ इतना एफिशिएंट तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि हमें मिला ही नहीं IPv6। तो दोस्तों अब बात करते हैं IP का इस्तेमाल। IP हम इस्तेमाल करते हैं वेब सिस्टम पे, हम इस IP का इस्तेमाल करते हैं कोई भी डिवाइस पे, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन, PC, या फिर आपका जो वेबसाइट है और आपका जो मेल है उस पर भी IP सिस्टम का वर्क होता है। IP क्या करती है कि कौन सी IP से आपके फ़ोन में मैसेज आया है, कौन सी IP से आपके फ़ोन में मेल आया है, फ़ोन आया है, तो वो भी IP के थ्रू ही होता है। IP एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेलीकॉम ऑपरेटर या फिर आपका जो ब्रांड का चीज़ खो गया है उस ब्रांड से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन और एक बात डिटेल्स में बता देता हूँ कि IP आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में मिल जाएगा, लेकिन आपके घर पे लाइट जो है उसमें IP होगा ही, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन, कंप्यूटर, ऐसे TV, स्मार्ट TV, ऐसी इस चीज़ के अंदर आपको IP मिल जाता है। तो दोस्तों आप IP कहाँ कहाँ पे वर्क करती है तो ये मैंने बताया। तो दोस्तों अब कुछ नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मिथ है। मिथ क्या है कि कुछ लोग समझ लेते हैं कि IP के थ्रू आप किसी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन ये सब हैकर ही कर सकते हैं। यही बात है, हर लोग कोई IP सिस्टम को हैक नहीं कर सकते। अब IP का हाइड करना, अब IP कोई एप्लीकेशन के थ्रू हाइड होता है, लेकिन हम सबके लिए IP को हैक करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों IP एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत एफिशिएंट है। IP कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो आप जैसे भी कोई बच्चा चाहे तो वो भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है। तो आप IP का इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ भी मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम है आप कुछ देखना चाहते हैं तो IP के थ्रू आपको सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे IP वर्क करती है। कोई बच्चा IP को चेंज नहीं कर सकता, या फिर कोई भी हैकर IP को चेंज कर सकता है। तो जो ये मिथ है कि हम अपने IP को छुपा के कोई भी काम कर लेंगे, कोई भी इनलीगल चीज़ कर लेंगे, पायरेसी कर लेंगे, तो हमें कोई ढूंढ नहीं सकता। वाइट हैकर, CBI, पुलिस, ये सब आपको कुछ ही सेकंड के अंदर पकड़ लेंगे। IP आपका जो लोकेशन है वो कुछ ही सेकंड के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। तो ऐसा काम कभी मत कीजिए क्योंकि IP इतनी आसानी से छुपती नहीं है। तो और IP एड्रेस चेंज नहीं होता, माना कि IP एड्रेस चेंज नहीं होता, लेकिन IP एड्रेस को हाइड करने के लिए एक हैकर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मेरा जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर की, आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप IP के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर मुझसे कोई बोलने में भूल हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो सब डिस्कस करूँगा कि ये वो क्या है, ये क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक कीजिए, आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं या फिर मेरी वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा टेक न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और ब्लॉग्स लेके आता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स।